hello everybody this is the class fifth and in this video we learn about the other two pages of this chapter and students in the previous chapter we have learned the two pages of the chapter 5 computer two cascade or tile windows how can we cascade or a tile windows step 1 open two or more windows and the step 2 is right click on a blank area and a taskbar. And the step 3 is choose cascade windows, the windows horizontally or tile windows vertically. So, students, you can see this window is the cascade window, and here below the given is a cascade window or tilted horizontally. And this is the tilted horizontally window, and this is the windows are tiled vertically so students our next topic for study that is the switching between windows switching between windows how can we switch in between the two windows windows xp allows you to open more than one programs at the same time it also allows you to easily move between open windows सो स्टूडेंट दिस विंडोज एक्स पी इज़ द ओनली दैट अलाउज ओपन मोर दैन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम चैलजन तो विंडोज एक्स पी ही एक ऐसी है जो आपको अलाउ करती है वो मोर दैन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम्स आप एक टाइम में मोर दैन वन प्रोग्राम्स को चला सकते हैं इट आल्सो अलाउज़ यू टू इजली मूव बिटवीन ओपन विंडोज़ और ये आपको यह भी अलाउ करती है कि आप बिटवीन टू विंडोज़ के बीच में इजीली से मूव कर सकते हैं आप इधर से उधर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं द विंडो यू सेलेक्ट बिकम्स द एक्टिव विंडो वेन विंडो इज़ एक्टिव ऑन द डेस्कटॉप इट्स टाइटल बार एंड द बटन एंड द टास्क इज़ ब्लू द विंडो यू सेलेक्ट बिकम्स द एक्टिव विंडो दो बच्चों आपने जो विंडो को सेलेक्ट किया है वो आपकी एक्टिव विंडो बन जाएगी वेन अ विंडो इज एक्टिव ऑन द डेस्क जब आपकी डेस्क पे एक विंडो जो है एक्टिव होगी मिस चालू हो जाएगी इट्स टाइटल बार एंड बटन ऑन द टास्क बार इज ब्ल्यू तो इसका जो टाइटल बार है एंड बटन ऑन द टास्क बार और जो टास्क बार पे बटन्स दी गई हैं वो आपकी ब्लू कलर में शो करेंगी वन अ विंडो इज़ इनएक्टिव द टाइटल बार इज़ लाइट ब्लू जब आपका जो विंडो है वो इनएक्टिव मीन्स चालू नहीं होगा तो आपकी जो टाइटल बार का कलर होगा वो लाइट ब्लू होगा जब आपका डेस्कटॉप पे विंडो ओपन होगा तो आपका कलर ब्लू होगा मीन्स डार्क ब्लू होगा टू स्विच बिटवीन टू विंडोज़ हयर द सम स्टेप्स आर गिवेन फॉर टू स्विच बिटवीन टू विंडोज एंड दप वन इज़ ओपन टू आर मोर प्रोग्राम्स यू कैन ओपन टू आर मोर प्रोग्राम एंड दू इज़ रिसाइज द विंडोज सो दैट आल ओपन विंडोज आर विजिबल मीन्स रिसाइज द विंडोज सो दैट ऑल ओपन दंडो मीन्स आपको अपनी विंडोज़ को छोटा कर देना कि किससे की सारी विंडोज़ आपकी एक स्क्रीन पे शो हो सकें एंड द थर्ड स्टेप इज आपकी है क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ़ द विंडो यू वॉन्ट टू वर्क विथ आप जिस विंडो पे वर्क करना चाहते हैं जिस विंडो के साथ उस पर आप क्लिक करके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं दैट विंडो विल चेंज इन टू एक्टिव विंडो जब आप उस विंडो पे क्लिक करेंगे वो आपकी तब एक्टिव विंडो बन जाएगी तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि इन एक्टिव विंडो में लाइट ब्लू कलर होगा और एक्टिव विंडो में आपका डार्क ब्लू कलर होगा तो ये आपकी एक इनएक्टिव विंडो है जिसमें आप देख सकते हैं लाइट ब्लू कलर है आपका एंड देन द सेकेंड इज द एक्टिव विंडो दैट इज द ब्लू इन कलर डार्क इन ब्लू कलर सो स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर स्टडी दैट इज द क्लोजिंग अ विंडो क्लोजिंग अ विंडो हाउ कैन वी क्लोज अ विंडो दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक टू क्लोज अ विंडो क्लिक ऑन द स्मॉल ये आपकी एक्स मल्टीप्लीकेशन टाइप में एक बटन होती है जिसे क्लोज बटन बोलते हैं इसको हमने पहले भी अपने फर्स्ट पेज में रीड किया था टू क्लोज अ विंडो क्लिक ऑन स्मॉल मल्टीप्लीकेशन क्लोज विंडो बटन ऑन द एक्सट्रीम लाइट ऑफ द टाइटल बार यू कैन आल्सो यूज एल टी प्लस एफ वो टू क्लोज एन ओपन विंडो सो स्टूडेंट्स हाउ कैन यू क्लोज अ विंडो दैट्स योर क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू कैन क्लिक ऑन द क्लोज बटन विच इज डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार विच यू हैव रीड इन द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर नंबर फाइव इन योर बुक यू कैन यूज और यू कैन यूज द ए एल टी प्लस एफोड टू क्लोज एन ओपन विंडो सो स्टूडेंट्स ये आपके बच्चों दो मैथड्स हो तो गए या तो आप ये क्लोज बटन जो आपकी टाइटल बार के राइट right साइड में डिस्प्लेड होती है उस पर क्लिक करके या आप ए एल टी प्लस एफ फोर मिस आल्ट प्लस एफ फोर को क्लिक करके आप अपनी विंडो को क्लोज कर सकते हैं तो बच्चों ये आपके दो मेथड्स है एंड देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ शॉर्ट कट ऑफ ए प्रोग्राम सो स्टूडेंट्स डू यू नो हाउ कैन वी क्रिएट अ शॉर्ट कट ऑफ ए प्रोग्राम दिस क्वेश्चन आंसर इन द गिवन आर गिवन इन बेलो इफ यू आर यूजिंग अ प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली यू कैन क्रिएट शॉर्ट कट फॉर इट्स ऑन द डेस्क टॉप यदि आप कोई भी प्रोग्राम को जल्दी से यूज़ करना चाहते हैं जल्दी जल्दी दिखाना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट कट क्रिएट करने पड़ेंगे अपने डेस्क टॉप में उसके लिए आपको शॉर्ट कट ऑफ अ प्रोग्राम करना क्रिएट करना आना चाहिए जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू यूज़ पेंट क्वाल ऑफ एन यू कैन क्रिएट अ पेंट शॉर्टकट ऑन द डेस्क टॉप तो स्टूडेंट्स आप अगर पेंट को जल्दी से यूज करना चाहते हैं तो आपको पेंट शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप में आपको क्रिएट करने पड़ेंगे लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ अ प्रोग्राम हियर द मैनी स्टेप्स आर गिवन टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ अ प्रोग्राम सो स्टूडेंट्स द फर्स्ट स्टेप इज गिवन फॉर क्रिएटिंग अ शॉर्टकट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज द राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द

एंड योर थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन शॉर्टकट अ क्रिएट शॉर्टकट डायलाग बॉक्स अपियर्स जब आप शॉर्टकट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपने शॉर्टकट पर यहाँ पर क्लिक किया है यहाँ पर देन आपको शॉर्टकट पर क्लिक करना है देन आपकी ये क्रिएट शॉर्टकट फोल्डर जो आपका ये है क्रिएट शॉर्टकट डायलाग बॉक्स अपियर हो जाएगा ये आपका क्रिएट शॉर्ट कट डायलाग बॉक्स है ये आपका अपियर हो जाएगा जब आप शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे and then the sec fourth step is click at the browse button to locate the file click at the browse button look, look at the file and the step five is click the desired file click the desired file which you want to create shortcut and your step number six is click ok click ok this will lead you back to the main dialog box create shortcut java स्टेप सिक्स में क्लिक ओके okay करेंगे तो ये आपको मेन डायलॉग बॉक्स में क्रिएट शॉर्टकट करने के लिए ले जाएगी देन आपकी नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर सेवन क्लिक नेक्स्ट टू गेट टू द नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स फिर आपको क्लिक नेक्स्ट पे करना है जैसे कि आपका यहाँ पे यह दिया गया है क्लिक नेक्स्ट देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है ये आपका डायलॉग बॉक्स है इसी में आपका नेक्स्ट ऑप्शंस दिया गया है उसी पे आप क्लिक करना है इट विल आस्क यू टू फिल अप द नेम यू वांट टू असाइन टू शॉर्टकट इसमें आपका जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नेम मांगेगा वो नेम आपको भरना है जो आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं वॉन्ट टू असाइन द शॉर्टकट एंड द स्टेप थर्ड फॉर यूजिंग टाइप द नेम एंड क्लिक ऑन फिनिश तो जिस नाम से आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं देन आपको वो नेम राइट टाइप करना है इसके बाद आपको फिनिश करना है इट विल क्रिएट अ न्यू शॉर्टकट तो ये आपका एक न्यू शॉर्टकट क्रिएट कर देगा नेम्ड कोरल ट्वेल्व ऑन द डेस्कटॉप्स जैसे कि यहाँ पे आपका डेस्कटॉप में दिया गया है इसने कोरल ट्वेल्व नेम राइट किया जब आप कोरल ट्वेल्व टाइप करेंगे डेस्कटॉप में तो आपका ये शॉर्टकट तरीके से आपका ओपन हो जाएगा देन आपको ये फिनिश कर देना है तो so, इस तरह से आपने अभी सीखा हाउ कैन वी क्रिएट अ शॉर्ट कट ऑफ अ प्रोग्राम सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड स्टूडेंट्स लर्न द ऑल टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू थैंक यू वेरी मच